Hello and welcome to Android Development Basic Course Lecture Number 4 Receiving System Broadcast. आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉडकास्ट रिसीवर. बेसिकली हमने इसके बारे में ब्रीफली बात की थी अपने एंड्रॉइड के कंपोनेंट्स में कि हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है और किस सिनेरियोज में यूज हो सकते हैं. तो हम इस आज के लेक्चर में इसमें डिटेल में बात करेंगे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, किस तरह से उसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर से. बेसिकली सिंपली रिस्पॉन्ड करता है हमारे ब्रॉडकास्ट मैसेज को अदर एप्लीकेशंस में या उसी सिस्टम पे रहकर. सो इन मैसेज को समटाइम्स हम इवेंट्स या इंटेंट्स भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन ने एक इवेंट जनरेट किया या एक इंटेंट जनरेट किया फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर या फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर अगर वो इटसेल्फ काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि एप्लीकेशन कैन ऑल्सो इनिशिएट ब्रॉडकास्ट टू लेट अदर एप्लीकेशन नो दैट सम डेटा हैज बीन डाउनलोडिंग टू द डिवाइस एंड इट इज अवेलेबल फॉर देम टू यूज. फॉर एग्जाम्पल हमने एक डेटा को डाउनलोड किया तो हमारी एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को ये मैसेज दे देती है कि डिवाइस आपकी ऐसा डेटा डाउनलोड कर रही है जो आप भी अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं. तो ये बेसिकली उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट दे देती है, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज दे देती है कि वो भी जो हमारी डिवाइस पे या विद इन आर डिवाइसेज या विद इन एक्टिविटीज काम हो रहा था उससे फेमिलियर हो जाते हैं. सो दिस ब्रॉडकास्ट रिसीवर हु विल इंटरसेप्ट दिस कम्युनिकेशन एंड विल इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन के वो हमारी जो कम्युनिकेशन होती है इसे इंटरसेप्ट करता है और उस बेस पे जो अप्रोप्रिएट एक्शन होता है वो परफॉर्म करता है. सो अब स्टेप क्या क्या है हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाने के. बेसिकली दो इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बनाने के टू वर्क फॉर द सिस्टम ब्रॉडकास्ट इंटेंट. सबसे पहले है कि हम एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाए, सेकेंड है कि उसको रजिस्टर करें. सो इसके अलावा कोई भी एडिशनल स्टेप नहीं है. इस इनकेस यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर कस्टम इंटेंट, अगर हम अपने इस सिनेरियो में अपने कस्टम इंटेंट बनाते हैं जो डिफॉल्ट इंटेंट है उनको यूज नहीं करते, तो इस स्टेज पे भी जाके हमें अपने क्रिएट और ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा उन इंटेंट्स को. अदरवाइज इन दो के अलावा कोई भी एडिशनल स्टेप हमारे पास इस स्टेज तक नहीं है. सो सबसे पहले हमने देखा था क्रिएटिंग ब्रॉडकास्ट रिसीवर. अगर हमने एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट करना है सो बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करता है एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास को. जैसे आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं कि मेरे पास एक माई रिसीवर की क्लास है जिसे मैंने ब्रॉडकास्ट रिसीवर से एक्सटेंड किया. तो ये चीज बेसिकली आइडेंटिफाई करती है कि अब ये जो मेरी क्लास बनाने लगा हूं ये बेसिकली एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, एक ब्रॉडकास्ट क्लास है जो मैसेज एक्टिविटीज के दरमियान या एप्लीकेशन के दरमियान यूजिंग इंटेंट या इवेंट शेयर करेगी. और सेम एज इसमें एक ओवरराइडिंग मेथड होता है ऑन रिसीव के नाम से जिसमें हमारे तमाम मैसेज रिसीव होते हैं एज एन इंटेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर. यहाँ पे आप देख रहे हैं दो चीजें मेरे पास एज एन आर्गुमेंट पास हुए, एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा इंटेंट है. सो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई जिसको मैंने एक्सटेंड किया ब्रॉडकास्ट रिसीवर से और इसमें ओवरराइड करके एक फंक्शन बनाया ऑन रिसीव के नाम से जिसमें दो चीजें मैंने पास कर दी, एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा इंटेंट. और यहाँ पे सिंपली दिखाने के लिए कि हमारे एक रिसीवर बंद है कि मैंने एक टोस्ट को जनरेट करवा दिया और इसका कॉन्टेंट है कि इंटेंट डिटेक्टेड को इंटेंट स्टेज पे मिल रहा है और इसी तरह उसकी लेंथ और उस टोस्ट को मैंने शो कर दिया. नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टरिंग ब्रॉडकास्ट रिसीवर. सो एन एप्लीकेशन लिसन फॉर स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट इंटेंट By registering a broadcast receiver in AndroidManifest.xml file. So, आपने Android एक ब्रॉडकास्ट बना तो दिया Android में एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर, लेकिन अब वो आपकी एप्लीकेशन उसे किस तरह यूज करेगी, उसे किस तरह पता चलेगा कि ये एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है. तो उसके लिए आपको अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने Android Manifest की .xml वाली फाइल में. सो आज हम यहाँ पे जो हमने माई रिसीवर बनाया था जिसमें एक सिस्टम जनरेटेड इवेंट था कि अगर एक्शन बूट कंप्लीट, कि जैसी एक हमारी जो डिवाइस है उसका बूट कंप्लीट हो जाए या उस एप्लीकेशन का बूट कंप्लीट हो जाए तो वो हमें एक मैसेज जनरेट करवा दे, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करवा दे कि मैंने ये फंक्शनलिटी परफॉर्म कर दी है. सो विच इज फायर्ड बाय द सिस्टम वंस द एंड्रॉइड सिस्टम हैड कंप्लीटेड द बूट प्रोसेस. जैसे हमने बात की कि जब एंड्रॉइड सिस्टम अपना बूट प्रोसेस कंप्लीट कर ले तो उस वक्त हमें ये मैसेज जनरेट हो जाए, ये रिसीवर जनरेट हो जाए कि हमारी बूट की फंक्शनैलिटी कंप्लीट होगी. सो यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड सिस्टम है और एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है जिसमें हमने रजिस्टर करवाया इंटेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए कि जो फंक्शनैलिटी यहाँ परफॉर्म हो रही है उसे तुम ऑब्जर्व करो और जैसी वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो वो हमें एक नोटिफिकेशन दे देगा कि अब जो इंटेंट था वो अकर हो चुका है. सो रजिस्टर किस तरह करवाते हैं हम अपनी manifest.xml वाली फाइल में एप्लीकेशन के टैग के अंदर रहते हुए एक रिसीवर बनाएंगे. इसी रिसीवर का एक स्टार्टिंग सिंबल होगा और एक एंडिंग सिंबल. अब यहाँ पे मैंने रिसीवर का एक नाम सेट करवा दिया, फॉर एग्जांपल माय रिसीवर. हम इस नाम को फर्दर अपने एप्लीकेशन में अपनी क्लास फाइल में यूज करेंगे जिससे इसे ये पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला ब्रॉडकास्ट रिसीवर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. अब इसके अंदर मैंने एक इंटेंट फिल्टर है जिसमें एक एक्शन पास कर दिया कि android.intent.action.bootcomplete के जैसे ये वाला एक्शन कंप्लीट हो जाएगा
इंटेंट फिल्टर मुझे नोटिफाई कर देगा कि मेरे एंड्रॉइड सिस्टम ने ये वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म कर दी है। सो नाउ व्हेन एवर योर एंड्रॉइड डिवाइस गेट बूटेड, जैसे हमने बात की कि जब जब हमारी डिवाइस बूट होगी वो खुद को बूट करेगी या रीसेट करेगी, तो ये मैसेज, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर इंटरसेप्टेड हो जाएगा और हमारे पास जो इसके अंदर लिखी हुई लॉजिक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो इसके अलावा कुछ हमारे पास फर्दर इवेंट कॉन्स्टेंट है और उनकी डिस्क्रिप्शन है कि किन किन कौन कौन से इवेंट कॉन्स्टेंट है और उन्हें किन किन सिनेरियोस की बेस पर हम अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास बैटरी चेंज, कि जब भी बैटरी चेंज होगी, फॉर एग्जाम्पल बैटरी की चार्जिंग स्टेट या उसका लेवल या कोई और इन्फॉर्मेशन बैटरी की चेंज हुई है, तो ये इंटेंट हमें उस बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसी तरह बैटरी लो है कि जब भी डिवाइस की बैटरी लो होगी, जैसे हमारे नॉर्मल डिवाइसेज में भी अगर हमारी बैटरी लो होती है तो हमारे पास एक मैसेज जनरेट हो जाता है जिससे हमें पता चल जाता है हमारी डिवाइस की बैटरी लो है। थर्ड है बैटरी ओके, कि जब बैटरी नॉर्मल स्टेट में होती है कि वो आफ्टर बीइंग लो, सो जब लो के बाद भी वो एक ओके स्टेट में आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई पावर सेवर ऑन कर देते हैं तो उस वक्त हमें बैटरी ओके का एक मैसेज जनरेट हो जाता है। तो फोर्थ है हमारे पास बूट कंप्लीट, जैसे हमने देखा कि जब भी हमारा बूट सिस्टम अपनी डिवाइस बूट करेगा उस वक्त इंटेंट हमारे पास जनरेट हो जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमें अपना फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाएगा। फिर है बग रिपोर्ट, कि अगर उसे किसी एक्टिविटी के दरमियान में कोई बग या इश्यू या एरर नजर आएगा तो वो ये इंटेंट को एक्टिव कर देगा। इसी तरह हमारे पास कॉल का, कि जब हम कॉल का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त ये इंटेंट होगा, सेम एज कॉल बटन है। डेट चेंज है, कि जब जब डेट चेंज होगी हमारे पास एक नोटिफिकेशन एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर आ जाएगा जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि डेट चेंज होगी। और लास्ट में हमारे पास रीबूट, कि जब जब हमारी डिवाइस रीबूट होगी उस वक्त ये इंटेंट, ये वाला रिसीवर, अगर ये सिनेरियो हमने हैंडल किया हुआ अपनी मैनिफेस्ट फाइल में, इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर किया हुआ, तो ये इंटेंट हमें अपनी फंक्शनलिटी के हिसाब से अपना मैसेज जनरेट करवा देगा। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।